हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का सपोर्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 85 हमें नोट गिवन है कि फैक्स इज इक्वल टू 9 माइनस में 4 अंडर रूट 5, तो वैल्यू फाइंड करो। ये हमारे पास कुल मिला के 11 पार्ट दे रखे हैं, इन सभी का हमें सॉल्यूशन करना है। तो फिलहाल के लिए हम इसका जो पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 है, इसको सबसे आखिरी में डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि इसमें अंडर रूट आ रहा है, बाकी जो टर्म है विदाउट अंडर रूट वाली है, तो ये तो सबके एक जैसे तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, बाकी इनका तरीका थोड़ा अलग होगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट से। तो हमें जो वैल्यू गिवन है x, यानी कि 9 माइनस 4 अंडर रूट 5, इसे मान लेते हैं नंबर 1। ठीक है, अब इसके साथ में आ रहा 1 अपॉन में x, तो मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा, तो 1 अपॉन में एक्स हो जाएगा, क्योंकि नीचे कुछ नहीं, 1 मान लेंगे। इसका रेसिप्रोकल करा 1 अपॉन में एक्स, तो इसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 9 माइनस में 4 अंडर रूट 5। ठीक है, तो अब इसको रैशलाइज करेंगे, क्योंकि अंडर रूट मेरा डिनोमिनेटर में आ गया है। जब भी अंडर रूट डिनोमिनेटर में आ जाए, तो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसके अपोजिट साइन के साथ। ठीक है, 9 प्लस 4 अंडर रूट 5, माइनस है तो प्लस, अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस। देखो नीचे जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला होगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये तो मेरा एज इट इज़ आ गया 9 प्लस 4 अंडर रूट 5। यहाँ पर a की जगह मेरा 9 है, तो 9 का स्क्वेयर, b की जगह में दे रखा है 4 अंडर रूट 5 का स्क्वेयर, फिर हमें दे दिया 9 प्लस 4 अंडर रूट 5। 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया 81, 4 अंडर रूट 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 अंडर रूट 5 के साथ, 4 जा 16, अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो अंडर रूट 5 का स्क्वेयर, क्योंकि पावर 1 और 1 2, स्क्वेयर से रूट कट गया, 16 5 जा 80, आंसर आया 80। तो 9 प्लस 4 अंडर रूट 5, 81 में से 80 माइनस किया कितना आया 1, ये मेरी आ गई वैल्यू 1 अपॉन में एक्स की, इसे मान लेते हैं नंबर 2। ये हमारा फर्स्ट पार्ट चल रहा है यहाँ पे, क्लियर है। तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो ये मेरी वैल्यू कितनी है x, 2 में वैल्यू कितनी आई 1 अपॉन x, यह आया मेरा 9 माइनस में 4 अंडर रूट 5, यह आया 9 प्लस 4 अंडर रूट 5, ये माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया, तो 9 प्लस 9 कितना हुआ 18, यानी x प्लस 1 अपॉन में x की वैल्यू आ गई 18, इसे हम मान लेते हैं नंबर 3। ठीक है, इसे टर्म नंबर मान लेते हैं 3। ये मेरा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे क्लियर होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में दे रखा है x माइनस में 1 अपॉन में x, तो ये हमारा x है, ये 1 अपॉन x है, इक्वेशन 1 में इसे माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 को, तो मेरा कौन आ जाएगा x माइनस में 1 अपॉन में x, तो यहाँ मैं लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, यानी कि 2 को 1 में से माइनस करना, 1 हमारी कौन है x, और 2 कौन है मेरी 1 अपॉन में x, यह है मेरी 9 माइनस 4 अंडर रूट 5, माइनस करना 1 अपॉन एक्स की वैल्यू, जो हमें कितनी दे रखी है 9 ब्रैकेट 9 4 अंडर रूट 5, तो यह 9 4 अंडर रूट 5, बाहर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस होगा 4 अंडर रूट 5, देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, माइनस का 4 अंडर रूट 5, माइनस का 4 अंडर रूट 5, 4 और 4 ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा माइनस का 8 अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 का भी प्लस या माइनस नहीं होते, इनके आगे का जो भी नंबर होगा वो प्लस या माइनस होगा। ये वैल्यू आ गई मेरी x माइनस 1 अपॉन में x की, इसे हम मान लेते नंबर 4। ठीक है, 3 चल रहा था, ये आ गया मेरा नंबर 4। सेकेंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट है, अब डिस्कस करेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट के लिए मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, थर्ड पार्ट शुरू करेंगे। तो थर्ड पार्ट पे क्या आ रही है, एक्स के ऊपर स्क्वेयर आ रही है, 1 अपॉन एक्स के ऊपर स्क्वेयर आ रही है। ठीक है, तो इसको स्क्वेयर लाना है, बीच में साइन है प्लस का, ये ध्यान रखना। तो मेरी जो इक्वेशन नंबर 3 आई थी, कितनी आई थी, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है 18, हम इसी की हेल्प लेंगे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ फ्रॉम 3 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 18, मैं यहाँ कर देता हूँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, x प्लस 1 अपॉन एक्स, इधर भी स्क्वेयर लगा दिया 18 का स्क्वेयर। अब यहाँ जो मेरा फॉर्मूला लगेगा वो होगा a प्लस बी का होल स्क्वेयर, यानी ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस में 2ab, a की जगह x लेना है, b की जगह 1 अपॉन में x लेना हमें, तो a की जगह मैंने x लिया, b की जगह 1 अपॉन में x का होल स्क्वेयर प्लस में 2ab,
ए की जगह एक्स, बी की जगह वन अपॉन में एक्स। अब 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 के साथ, ठीक है, यह आ गया मेरा 324। आने के बाद एक्स स्क्वायर, वन को वन से मल्टीप्लाई किया वन, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, टू आया 324, प्लस का टू है, दूसरी तरफ आएगा इसका आ जाएगा माइनस का, 324 माइनस का टू, एक्स स्क्वायर प्लस में वन अपॉन में एक्स स्क्वायर, कितना हुआ 322। इसे हम मान लेते हैं नंबर फाइव। चार तो मेरा चल रहा था, लास्ट टाइम की जो इक्वेशन आई थी नंबर फोर थी, इसे नंबर मैंने दी थी अब फाइव। ये मैं नंबर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमें जितने आगे के पार्ट सॉल्व करते रहेंगे हमें इनकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। अब मेरा फोर्थ पार्ट डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का वन अपॉन में एक्स स्क्वायर, अब बीच में आ गया माइनस का साइन, ठीक है, तो इसके लिए हम हेल्प लेंगे इस पार्ट की, नंबर थ्री की और फोर की। तो मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट ऑफ थ्री एंड फोर। इक्वेशन नंबर थ्री देखो जरा क्या दे रखे हमें, एक्स प्लस में वन अपॉन में एक्स, और प्रोडक्ट करना था मल्टीप्लाई का साइन। नंबर फोर में हमें क्या दे रखा था, ये रहा एक्स माइनस में वन अपॉन में एक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी थी 18, यहाँ रखा मैंने 18, और इसकी वैल्यू थी हमारी यहाँ पे देखो एक्स माइनस में वन अपॉन एक्स की वैल्यू माइनस का 8 अंडर रूट 5, तो यहाँ रख दिया मैंने माइनस का 8 अंडर रूट 5। अब यहाँ जो मेरी आइडेंटिटी लगी है वो लगी है एक बार पॉजिटिव में है एक बार नेगेटिव में है, तो फॉर्मूला होगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए की जगह में एक्स लेना, बी की जगह में वन अपॉन एक्स लेना है, तो यहाँ ले लिया मैंने एक्स का स्क्वेयर, बीच में माइनस का साइन है, वन अपॉन में एक्स का स्क्वेयर। अब 18 को मल्टीप्लाई करना है नेगेटिव के 8 अंडर रूट 5 के साथ। अब 18 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 8 के साथ, ये आ जाएगा माइनस का 144 अंडर रूट 5। एक्स स्क्वेयर का एक्स स्क्वेयर आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वेयर, तो ये मेरा आंसर आ गया 144 अंडर रूट 5। इसे हम ले लेते हैं टर्म नंबर 6, ठीक है, ये मेरे इस फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन हो गया, यानी कि एक्स स्क्वेयर माइनस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वेयर। अब हमारा फिफ्थ पार्ट आता निकल के यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस में 1 अपॉन में एक्स क्यूब, अब इसे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ मेरा डिस्कस करते हैं फिफ्थ पार्ट, तो हम डिस्कस करेंगे, हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स क्यूब प्लस में वन अपॉन में एक्स क्यूब, ठीक है, ये वैल्यू फाइंड करनी है, और इसके लिए मैं यूज़ करूँगा फॉर्मूला ए क्यूब प्लस में बी क्यूब का, ये हमारा फॉर्मूला होगा। तो इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से ले सकते हैं, ए प्लस में बी का बी, ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस का ए बी, ये हमारा ए प्लस बी के बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। अब इसको थोड़ा सा हम और एक्सटेंड करेंगे आगे की तरफ, देखो ए प्लस बी एंड ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस का ए बी है, तो मैंने एक और माइनस का ए बी ले लिया, प्लस का ए बी ले लिया, क्योंकि माइनस में प्लस करने पर वापस क्या हो जाता है ज़ीरो, तो यहाँ पर ए प्लस बी एंड ए, देखो यहाँ पर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस का ए बी माइनस का ए बी, ये हो गया माइनस का 2ab, साथ में कौन चल रहा है मेरा प्लस का ए बी, ठीक है, ए प्लस बी। अब ये मेरा पूरा फॉर्मूला बंद हो गया, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस का 2ab, ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वेयर, और यहाँ पे चल रहा मेरा प्लस का ए बी, क्लियर है। तो यहाँ पर a की जगह कौन होगा मेरा, a की जगह x होगा और b की जगह मेरा 1 अपॉन में x होगा, a की जगह x और b की जगह 1 अपॉन में x। मैं इन सब की वैल्यूज के अंदर पुट कर देता हूँ, तो a की जगह लिया मैंने x, b की जगह 1 अपॉन में x, ब्रैकेट a की जगह मैंने x, b की जगह 1 अपॉन में x, a की जगह x, b की जगह 1 अपॉन में x रखने के बाद में, अब देखो x प्लस में 1 अपॉन में x, ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो था वो यही था, x प्लस में 1 अपॉन में x, कितनी वैल्यू उसकी 18, और दूसरा पार्ट था x माइनस में 1 अपॉन में x, कितना था माइनस का 8 अंडर रूट 5। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 इन दोनों को यूज़ करेंगे हम, यूजिंग 3 एंड 4, तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है 18, तो यहाँ मैंने 18 रखा, ब्रैकेट x माइनस में 1 अपॉन में x, इसकी वैल्यू थी हमारी 8 अंडर रूट 5, ऊपर स्क्वेयर दे रखा तो स्क्वेयर लगा दिया, एक्स के एक्स मेरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा 1, क्लियर है। अब यहाँ 18 का 18 आया, अब स्क्वेयर दे रखा है, इसका मतलब है इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है,
माइनस एट को माइनस एट से मल्टीप्लाई करेंगे 64, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंडर रूट फाइव को अंडर रूट फाइव से करेंगे तो ये फाइव हो जाएगा, प्लस का वन हो गया मेरा ये। इसके बाद 18 64 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो ये आ जाएगा 320 प्लस में 1। अब 320 प्लस में 1 321, इसको बाकी के पार्ट को मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ। तो 18 इंटू 321 मल्टीप्लाई करने पे आएगा 5778। ये मेरा फिफ्थ पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसका सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट हमें दे रखा है एक्स क्यूब माइनस में वन अपॉन में एक्स क्यूब। अब इसके लिए भी मैं फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ। पहले यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो कि फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस ए बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। बट इसको थोड़ा सा मैं और इजी बनाने के लिए कुछ सॉल्व कर देता हूँ। ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस ए बी, ये तो हमारा फॉर्मूला है ही, मैंने इसमें प्लस ए बी कर दिया माइनस ए बी कर दिया ताकि ए बी में से बी जाए कितना आ जाए ज़ीरो। जो मैं रेड कलर से कर रहा हूँ ये थोड़ा फॉर्मूला बना रहा हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ए बी ए बी टू ए बी माइनस का ए बी, यहाँ पर ए माइनस बी ब्रैकेट, ये फॉर्मूला बन गया मेरा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस में टू ए बी का, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, ये फॉर्मूला होता है। माइनस का ए बी मेरा एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पर रिप्लेस करते हैं वैल्यू को, ए की जगह आ जाएगा मेरा एक्स, बी की जगह आ जाएगा मेरा वन अपॉन में एक्स, ठीक। ए ए की जगह आएगा एक्स, बी की जगह वन अपॉन में एक्स, माइनस में ए की जगह एक्स, बी की जगह आ जाएगा वन अपॉन में एक्स, ब्रैकेट क्लोज। अब इसके लिए सेम रूसम वही हमारा यूजिंग थ्री एंड फोर, क्योंकि इसमें वैल्यू किसकी आ रही है x माइनस में वन अपॉन x, x प्लस में वन अपॉन x। तो x माइनस में वन अपॉन x की वैल्यू कितनी थी हमारी, नेगेटिव का एट अंडर रूट फाइव और दूसरे की वैल्यू थी कितनी 18। तो यहाँ मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ x माइनस वन अपॉन में x, इसकी वैल्यू थी नेगेटिव का एट अंडर रूट फाइव ब्रैकेट, x प्लस में वन अपॉन x इसकी वैल्यू थी हमारी 18, इसका होल स्क्वेयर, x से x कैंसिल हो गया कितना आया 1। अब यहाँ पर नेगेटिव का एट अंडर रूट फाइव, 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 324 माइनस का 1, नेगेटिव का 8 अंडर रूट 5, ठीक है 324 में से 1 माइनस किया 323, बीच में साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा। याद रखना अंडर रूट वाले टर्म अंडर रूट वाले से ही मल्टीप्लाई होती है और विदाउट अंडर रूट वाले टर्म विदाउट अंडर रूट वाले टर्म से ही मल्टीप्लाई होगी। तो 323 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस होगा, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 2584, अंडर रूट 5 है तो अंडर रूट 5 एज इट इज आ जाएगा। ये मेरा हो गया सिक्स पार्ट यहाँ पे कंप्लीट। अब इसके अगला पार्ट देखो, इसका जो सेवन्थ पार्ट था ये अंडर रूट वाली टर्म वाला है, मैंने आपको बोला था इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये भी बाद में होगा। अब डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर 9, यानी एक्स की पावर 4 प्लस में 1 अपॉन में एक्स की पावर 4। तो पार्ट नंबर 9 एक्स की पावर 4 वन अपॉन में एक्स की पावर 4। तो इसके लिए भी हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते, पहले x की पावर 4 को मैं लिख लेता हूँ x की स्क्वेयर का स्क्वेयर, और देखो 1 के ऊपर 4 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो इस पर भी मैं क्या लगा लेता हूँ x की स्क्वेयर की स्क्वेयर, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेरा फॉर्मूला लगेगा, देखो मैं इसे ले लेता हूँ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, मैंने प्लस में 2ab कर लिया एंड माइनस में भी 2ab कर लिया, मैंने इस पूरी टर्म को ए स्क्वेयर माना है, इस पूरी टर्म को बी स्क्वेयर माना है। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वेयर माइनस में 2ab, यानी कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पर देखो स्क्वेयर से स्क्वेयर कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू जो होगी वो मेरी होगी एक्स स्क्वेयर, बी की जो वैल्यू होगी मेरी यहाँ पे वो होगी वन अपॉन में एक्स स्क्वेयर, ये ए और बी की वैल्यू होगी जो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, क्लियर है। अब ए ए की जगह आ जाएगा है मेरा यहाँ पे एक्स स्क्वेयर, बी बी की जगह आ जाएगा वन अपॉन में एक्स स्क्वेयर, ऊपर स्क्वेयर दे रखा है स्क्वेयर लगा दिया, माइनस का टू ए बी, ए की जगह एक्स स्क्वेयर, बी बी की जगह वन अपॉन में एक्स स्क्वेयर। अब एक्स स्क्वेयर प्लस में वन अपॉन में एक्स स्क्वेयर, देखो ये वैल्यू हमने फाइंड की थी यहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस में वन अपॉन में एक्स स्क्वेयर कितना आया था 322, हमारी नंबर 5 थी। यहाँ मैं लिखता हूँ यूजिंग 5, यहाँ लिखा मैंने 322
ऊपर स्क्वेयर है तो स्क्वेयर लगा दी, ये से कट गया, कितना आया 2। अब 322 को मल्टीप्लाई करना 322 के साथ, तो ये आ जाएगा मेरा 1,03,684 - 2। अब इस टर्म में से माइनस कर देंगे 2 को, ये आ जाएगा 1,03,682। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट यहाँ पे, इसी का 9th पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर 10। तो हमारा 10th पार्ट हमें दे रखा है x^6 and 1/x^6। इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं x²³, क्योंकि 3 × 2 = 6 होता है, 1^6 पे लगा दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, x² इसकी स्क्वेयर की पावर क्यूब ले ली, तो x²³ प्लस में 1/x²³, क्योंकि 1 की स्क्वेयर करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3 × 2 = 6 हो जाएगा एंड 3 × 2 = 6 आ जाएगा। तो मैं इसको इस तरीके से मेंशन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे ले लेता हूँ a³ प्लस में b³। तो a+b³ का फॉर्मूला होता है a+b (a²) + b² - ab। तो यहाँ मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ फॉर्मूले को, a+b (a²) - b² मैं इसको मेंशन कर सकता हूँ, माइनस का ए बी कर दिया, प्लस का ए बी ले लिया, ताकि माइनस के ए बी में से पॉजिटिव का ए बी जाए, तो वापस कितना आ जाए, माइनस का ए बी, a+b (a²) - ab - ab, माइनस का 2ab, पॉजिटिव का मेरा आया ab, a+b(, ये मेरा फॉर्मूला बंद हो रहा है, a - b² क्योंकि a²(b²) - 2b फॉर्मूला होता है इसका, प्लस में ए बी। अब जहाँ पर मैंने रिप्लेस किया, देखो ए की जगह हम लेंगे यहाँ पे कितना x² और बी की जगह लेंगे हम यहाँ पे 1/x², इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो ए की जगह आया मेरा x², बी की जगह 1/x² ब्रैकेट क्लोज, ए की जगह x² बी की जगह 1/x² ऊपर स्क्वेयर है, स्क्वेयर लगा दिया, ए की जगह x² बी की जगह 1/x² ब्रैकेट क्लोज। अब इसके लिए हम यूज़ करेंगे हमारी टर्म को, x² प्लस में 1/x² कितना हमारा 322, मैं लिखूंगा मैं यूजिंग 5 AND, और हमें जरूरत किसकी, x² - 1/x² देखो जरा यहाँ पे, x² - 1/x² कितना था, माइनस का 144√5, इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने रिप्लेस कर दिया 322 ब्रैकेट, इसकी जगह मैं रिप्लेस करूँगा माइनस का 144√5 का स्क्वेयर, ये इससे कैंसिल हो गया, कितना निकल गया यहाँ पे 1322। अब माइनस का 144 को माइनस के 144 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर पॉजिटिव का 20,736। √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस में 1, ठीक है 322। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, ये आएगा 1,03,680 प्लस में 1,322, इन दोनों को प्लस कर देंगे 1,03,681, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 3,33,85,282। और इसी के साथ मेरा इसका 10th पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर 11। तो स्टूडेंट 11th पार्ट में हमें दे रखा है x प्लस में 14/x की वैल्यू बतानी है, जिसमें हमारी x की वैल्यू तो ये थी, और हमने 1/x की वैल्यू भी हमने फाइंड की थी, 1/x ये वैल्यू हमारी कितनी थी 9 + 4√5। तो यहाँ पे 14 आ रहा है, तो मैंने 1 की जगह रिप्लेस कर दिया 14 को, ठीक है, यानी कि इसको ऊपर से मल्टीप्लाई किया 14 के साथ, तो इस टर्म को भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 14 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 14 को मल्टीप्लाई किया मैंने 9 के साथ, तो ये आ गया मेरा 126, 14 को मल्टीप्लाई किया मैंने 4 के साथ 56√5, तो ये मेरी वैल्यू आ गई 14/x, क्लियर है। इसे मैं इक्वेशन नंबर देता हूँ 7 और ये हो जाएगी 8, दोनों को ऐड करेंगे 7 + 8, तो ये मेरी वैल्यू हो जाएगी x प्लस में 14/x, ये है 9 - 4√5, ये हमें दे रखा है 126 + 56√5। अब ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरा 126 प्लस में 9 135, 56 प्लस का है, ये माइनस का, 56 में से 4 जाएगा कितना आएगा 52√5, दोनों में से बड़ा कौन है, प्लस का, तो साइन आएगा प्लस का, ठीक है, और अंडर रूट वाला टर्म
अंडर रूट फाइव है ये प्लस या माइनस नहीं होता, इसके आगे वाली जो टर्म होती है ये प्लस या माइनस होती है। तो मेरी एक्स प्लस 14 अपॉन में एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 135 प्लस 52 अंडर रूट 5, और इसके साथ मेरा 11 पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट बाकी के इसके जो दो पार्ट बचे हैं वो हम इसकी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।